बेमथुरा के नगरवासियों को खारे पानी से निजात नहीं मिल पा रहा है। करोड़ों की लागत से जल आवर्धन योजना के तहत मीठा पानी बाढ़वासियों को देने के बजाय खारा पानी दिया जा रहा है। राज्य सरकार के द्वारा 2016 में यह मिशन शुरू किया गया था, लेकिन आज तक लोगों को मीठा पानी नहीं मिला है। कई वार्डों में मीठे पानी की पाइपलाइन लगी है, लेकिन पानी नहीं मिल पा रहा है। अब वो पानी मिलता नहीं है असल में, इसलिए यहाँ पानी लेने के लिए आए हैं। हाँ। क्या बात है, क्यों यहाँ पे पानी आप लेने आते हैं, क्या कारण से? अब असल में जो मीठा पानी जो है वो मिल नहीं पाता है यहाँ पे, और यहाँ बेमेतरम लगा हुआ है दो है प्लांट, वो उसी में आए रहते हैं और लाइन लगा रहता है, देखिए आप, है ना। हाँ। तो यहाँ नदी का पानी आता है ऐसा लोग बोलते हैं, क्या है? कुछ नहीं है, पूरा खाली है भैया, ऐसा नहीं है, है ना। नदी का पानी आता है करके बोलते हैं, मैं तो सुना ही नहीं हूँ आ रहा है करके। अब एकात वार्ड में आता होगा, पुराने कलेक्शनों में खारा पानी मिलता है, हम लोग यहाँ मीठा पानी लेने आते हैं। क्या बात है, मीठा पानी क्या आपके घर में नहीं पहुँचता? मीठा पानी तो पहुँचता नहीं, 4-5 साल हो गया है और हम लोग यहीं से लेते हैं। पाइपलाइन तो बिछा बोलते हैं मीठा पानी का, लेकिन आज तक तो हम लोगों ने देखा नहीं है, तो इसलिए यहाँ लेने आते हैं पानी, मीठा पानी। मेन पाइपलाइन है जो अमोरा से आई हुई है, डैमेज हो गई थी, उसको कल रात में बनवाया गया है और आज से पानी की व्यवस्था जो है सुचारू हो गई, सुचारू रूप से प्रारंभ हो गया है। लगातार लोगों का ये मानना है कि हमको मीठा पानी नहीं मिल पा रहा है, आखिर कब तक मिलेगा? पीजे के द्वारा जलावर्धन योजना अंतर्गत पाइपलाइन का विस्तार किया गया है और उसमें पूर्ण रूप से पीजे के द्वारा कार्य कराया गया है। अभी वर्तमान में नगर पालिका को हैंडओवर नहीं हुआ है, जैसे ही हैंडओवर होगा हम लोग नगर पालिका क्षेत्रांतर्गत मीठे पानी की 100% सप्लाई करने का प्रयास करेंगे और ऐसा होगा भी।